हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर कैसे गैस्ट्रुलेशन होती है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की सेल्स की मूवमेंट होती है जिसके रिजल्ट में अलग अलग लेयर्स बनेंगी एंड फिर ऑर्गन फॉर्मेशन होगा। तो गैस्ट्रुलेशन के अंदर हम देखें, गैस्ट्रुलेशन जो होती है एक प्रोसेस होती है माइग्रेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टिव ऑर्गन फॉर्मिंग सेल्स, यानी कि वो पहले से ही क्या है, प्रीडिटरमाइंड है। प्रीडिटरमाइंड ऑर्गन फॉर्मिंग सेल्स हैं ऑलरेडी प्रेजेंट इन ब्लास्टुला। गैस्ट्रुला जो आता है या फिर गैस्ट्रुलेशन जो होती है वो ब्लास्टुलेशन के बाद होती है। ब्लास्टुला बन चुका होता है फिर गैस्ट्रुलेशन होती है। तो जो ब्लास्टुला के अंदर ऑलरेडी प्रोस्पेक्टिव ऑर्गन फॉर्मिंग सेल्स हैं उनकी माइग्रेशन होगी एंड रीअरेंजमेंट होगी, इसको ही क्या बोला जाता है, गैस्ट्रुलेशन बोला जाता है। इट इज ब्रॉट अबाउट सेवरल टाइप्स ऑफ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सेवरल टाइप की मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होती है टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम, यानी कि गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होती है। ये मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट क्या होती है, ये भी मूवमेंट ऑफ सेल्स ही होती है। मूवमेंट ऑफ सेल्स इन अर्ली एम्ब्रियो, ठीक है, अर्ली एम्ब्रियो के अंदर मूवमेंट होती है एंड इस मूवमेंट के रिजल्ट में ये मूवमेंट क्या करेगी, हम ये मूवमेंट जो है शेप के अंदर या फिर इसकी जो फॉर्म है उसके अंदर चेंज कर देगी। शेप एंड जो फॉर्म है डिफरेंशिएटेड सेल्स की और टिश्यूज की, ठीक है। शेप एंड फॉर्म, मॉर्फो वर्ड से ही पता चल रहा है, तो इसके अंदर शेप एंड फॉर्म जो है ये क्या होगी, डिफरेंशिएटेड सेल्स की चेंज हो जाएगी, उनके अंदर ऐसा कुछ मूवमेंट होगा जिसकी वजह से ये जो है शेप एंड फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो ये होता है यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन के अंदर। अब जो गैस्ट्रुलेशन होता है, डिफरेंट स्पीसीज इंप्लॉय डिफरेंट मीन्स टू अचीव द सेम गोल। सेम गोल क्या है, एक अडल्ट बनने का, एक कंप्लीट जो बॉडी फॉर्म है वो फॉर्म करने का। एंड डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज जो है डिफरेंट मीन्स एम्प्लॉय करती है, कोई कैसे करती है कोई कैसे करती है, लेकिन उनका क्या होता है, एक सेम गोल होता है, यानी कि एक कंप्लीट अडल्ट फॉर्म करने का वो सेम गोल होता है। अब गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट कहाँ से होगी, जैसे ही, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे है ये एग, इसके अंदर जो एग होता है फ्रॉग के अंदर ये होता है मीजोलेसिथल, मीजोलेसिथल एग होता है। मीजोलेसिथल का मीनिंग है कि इसके अंदर मॉडरेट योक प्रेजेंट होगी, तो इसके अंदर मॉडरेट योक प्रेजेंट होती है। एंड इसके अलावा इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है यहाँ पे कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म, तो दोनों साइड में इसके अंदर एक साइड में हाफ इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, हाफ साइटोप्लाज्म होता है इसका पिगमेंटेड, ठीक है, हाफ साइटोप्लाज्म इसका पिगमेंटेड होता है, पिगमेंटेड कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म। एंड सेकंड जो हाफ होता है ये होता है क्लियर कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म। अब ये एक अनफर्टिलाइज्ड एग है, जैसे ही स्पर्म आएगा, ठीक है, सपोज यहाँ से स्पर्म आया, जहाँ से भी स्पर्म आएगा वो इसकी वेंट्रल साइड बन जाएगी, ठीक है। और स्पर्म आने के बाद यानी तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये साइड क्या हो जाएगी, जिस साइड से स्पर्म एंट्री होगी वो हो जाएगी यहाँ पे वेंट्रल। ये इसका एनिमल पोल है एंड दिस वन इज द वेजिटल पोल, वेजिटल पोल हो जाएगा ये। तो ये वेंट्रल हो गया और वेंट्रल के अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, डोर्सल साइड हो जाएगी। तो जब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी तो उस टाइम पे ये जो पिगमेंटेड कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म है इसके अंदर रोटेशन होती है, सिर्फ इस पिगमेंटेड कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म के अंदर ही रोटेशन होती है, बाकी और किसी चीज के रोटेशन नहीं होगी। तो इसके अंदर जब रोटेशन होगी, ये हाफ यहां तक था, ठीक है, हाफ ये यहां तक था एंड इसके अंदर यहाँ पे ये 30 डिग्री रोटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो पिगमेंटेड कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म है ये मूव कर जाएगा। अब ये पिगमेंटेड कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म जो है ये यहाँ पे होगा एंड यहाँ पे जो एरिया है ये एक्सपोज हो जाएगा एंड इस एरिया को बोला जाता है ग्रे क्रिसेंट, इस एरिया को ग्रे क्रिसेंट बोला जाता है।
एंड ये जो ग्रे क्रिसेंट है यही ऐसा पोर्शन होता है, यही जगह होती है जहाँ से गैस्टुलेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, यहीं से क्या होगी, गैस्टुलेशन स्टार्ट होगी। तो ये 30 डिग्री रोटेशन होगी कोर्टिकल साइटोप्लाज्म की, कोर्टिकल जो पिगमेंटेड कोर्टिकल साइटोप्लाज्म है, जिसकी वजह से इस एरिया को क्या बोला जाता है, ये होता है ग्रे क्रिसेंट। एंड अगर हम देखें ये जो है पिगमेंटेड है तो ये समवट ब्लैक होता है, ये वाइट होता है, एंड ये मिल जाता है, ये वाइट और ब्लैक का मिक्सचर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रे हो जाएगा। तो इसको ग्रे क्रिसेंट बोलते हैं। एंड यहाँ से ही गैस्टुलेशन स्टार्ट होगी। एंड इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर फॉर्म होगा, तो यहीं पे जो है आर्केंटोन बनेगी। तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कौन कौन सी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स होगी, तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट होती है एपिबोली। एपिबोली के अंदर क्या होता है, द थिनिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ द एनिमल कैप सेल्स ओवर द वेजिटल हेमिस्फीयर पावर्ड बाय प्रोलिफ्रेशन एंड रेडियल इंटरकलेशन। इसके अंदर एक तो होगा यहाँ पे प्रोलिफ्रेशन, एक होगा रेडियल इंटरकलेशन, यानी कि रेडली दूसरी सेल्स जो है दूसरी सेल्स के अंदर जो है उसको इंटरकलेट करेगी। तो एपिबोली के अंदर क्या होगा, सबसे फर्स्ट यहाँ पे ये हो गया एनिमल पोल, ये हो गया वेजिटल पोल, एनिमल पोल वेजिटल पोल। तो यहाँ पे थिनिंग होगी एंड स्प्रेडिंग होगी एनिमल कैप सेल्स की, यानी जो इस साइड सेल्स प्रेजेंट है उनकी ये जो है वेजिटल साइड पे ये क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, स्प्रेडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी वेजिटल हेमिस्फीयर के ऊपर। एंड किसकी वजह से होगी, ये जो सेल्स हैं इनके अंदर प्रोलिफ्रेशन होगा, रेडियल इंटरकलेशन होगा, जिसकी वजह से वेजिटल हेमिस्फीयर के ऊपर क्या हो जाएगी, इसको कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे एपिबोली होगा। एपिबोली के बाद नेक्स्ट यहाँ पे वेजिटल रोटेशन होगी। वेजिटल रोटेशन के अंदर वेजिटल सेल्स एसिमेट्रिकली प्रेस अप अगेंस्ट द इनर ब्लास्टोसील रूफ ऑफ ऑन द डोर्सल साइड। अब डोर्सल साइड पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो वेजिटल सेल्स हैं एसिमेट्रिकली प्रेस अप कर लेंगी जो इनर ब्लास्टोसील रूफ है डोर्सल साइड पे उसके अगेंस्ट। तो यहाँ पे एनिमल पोल, वेजिटल पोल, तो इस साइड जो ये डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड थी, ये डोर्सल साइड जो है, ठीक है, डोर्सल साइड पे जो वेजिटल सेल्स थी, यानी ये जो वेजिटल वाली सेल्स थी, ये वेजिटल सेल्स एसिमेट्रिकली खुद को प्रेस कर लेंगी इनर जो इसकी ब्लास्टोसील की रूफ होगी डोर्सल साइड पे, इस साइड ये इसको प्रेस कर लेंगी। तो ये वेजिटल रोटेशन होगी सेकेंड स्टेप। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, अब बोटल सेल फॉर्मेशन, ठीक है, बोटल सेल की फॉर्मेशन होगी, यानी जो सेल्स होंगी उनकी शेप जो है बोटल टाइप की होगी एंड इन्वेजिनेशन होगी। अब यहाँ पे ये जो वेजिटल रोटेशन हो गई थी, अब यहाँ पे बोटल सेल्स बनेंगी, ठीक है, और ये बोटल सेल्स जो है अब ये अंदर की तरफ मूव करेंगी तो इन्वेजिनेट होंगी। लोकलाइज्ड एपिकल कॉन्स्ट्रिक्शन एट द डोर्सल लिप, यहाँ पे ये डोर्सल लिप बनेगा, यहाँ पे ग्रे क्रिसेंट था, यहाँ पे डोर्सल लिप बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शंस होगी डोर्सल ब्लास्टो पोर लिप के ऊपर, जो कि एक एनाइसोट्रोपिक फोर्स को क्या करेगा, क्रिएट करेगा, दैट फोर्स पोस्टर इन्वेजिनेशन, जो इसकी क्या करवाएगा, इन्वेजिनेशन करवा देगा, यानी कि ये जो बोटल सेल थी, ये बोटल सेल जो है इलोंगेट होंगी, एंड इलोंगेट होने के बाद भी ये इनका जो ये वाला पोर्शन है यहाँ से जुड़ी रहेंगी, एंड ये जो है अंदर की तरफ क्या करेंगे, प्रेशर को ऐसे अंदर की तरफ पुल करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे एक इंडेंटेशन बन जाएगी, यहाँ पे एक पोर बन जाएगा। एंड नेक्स्ट इन्वोल्यूशन होगा एंड सेल माइग्रेशन होगी। द लीडिंग एज ऑफ द इन्वेजिनेटिंग सेल्स क्रॉल्स अप ऑन टू द ब्लास्टोसील रूफ। अब ये लीडिंग एज जो था, ये जो यहाँ पे बना था, लीडिंग एज जो है इन्वेजिटिंग सेल्स का, जो सेल्स इन्वेजिनेट हो रही है वो क्या करेंगी, क्रॉल अप करेंगी ऑन टू द ब्लास्टोसील रूफ के ऊपर। एंड लास्ट वन यहाँ पे होगा कन्वर्जेंस एंड एक्सटेंशन। कन्वर्जन एंड एक्सटेंशन के अंदर क्या होगा, टारगेटेड मीडियल टू लेटरल इंटरकलेशन होगी, ठीक है, मीडियल टू लेटरल इंटरकलेशन होगी सेल्स की ऑन द मिड लाइन के ऊपर। कन्वर्जेंस जिसको बोलेंगे ड्राइव्स एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस इलोंगेशन, जिसको एक्सटेंशन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे फर्स्ट यहाँ पे मीडियल टू लेटरल इंटरकलेशन होगी मिडलाइन के ऊपर, जो क्या करेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की इलोंगेशन करेगा, यानी कि एक्सटेंशन कर देगा।
तो अगर इसको डायग्राम की फॉर्म में देखें इन स्टेप्स को, सबसे फर्स्ट एपिबोली होगी यहाँ पे। एपिबोली के अंदर ये रेडियल इंटरकलेशन हुआ है, जिसके अंदर अगर हम देखें ये जो सेल्स है ये क्या कर रही है, ये इस साइड मूव कर रही है। अब ये देखो अगर हम देखें इस सेल्स को, ये जो है इनके बीच में आ गई है, ठीक है, ये बीच में आ गई, तो रेडली ये क्या हो गई, इंटरकलेट कर गई है एक दूसरे को। सेकंड में क्या होगा, वेजिटल रोटेशन होगी, यहाँ पे इन सेल्स की वेजिटल रोटेशन स्टार्ट हो गई है। एंड नेक्स्ट क्या होगा, इनवेजिनेशन होगी। इनवेजिनेशन में ये जो बोटल सेल्स है ये ऐसे जो है ये अपना साइज को इंक्रीज करके ये अंदर की तरफ इसको पुल करेगी, ये ऐसे इनवेजिनेट हो जाएगा यहाँ पे। एंड फोर्थ स्टेप इज द इन्वोल्यूशन एंड माइग्रेशन, यहाँ पे ये सेल्स की देखो माइग्रेशन होनी स्टार्ट हो गई है, ये इन्वोल्यूट हुआ, ठीक है, ये ऐसे अंदर की तरफ ये ऐसे बेंट हुआ और उसके बाद ये माइग्रेशन स्टार्ट हो गई है। एंड लास्ट वन इज द फिफ्थ स्टेप, कन्वर्जेंट एक्सटेंशन। कन्वर्जेंट एक्सटेंशन के अंदर हमने देखा था कि मिड लाइन जो है यहाँ पे पहले कन्वर्जेंस होगा, कन्वर्जेंस के अंदर ये जो है ये सेल्स जो है ये ऐसे मूव कर रही है, दोनों साइड ये मूव करेंगी। एंड इसकी वजह से अगर हम देखें यहाँ पे जो ग्रीन है, पिंक है, ब्लू है, इस ये हो गई और फिर इसका एक्सटेंशन हुआ है, ऐसे इस वे में इसका एक्सटेंशन होगा। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो कि गैस्ट्रुलेशन में हेल्प करेंगे, यानी कि कंप्लीट गैस्ट्रुलेशन इन स्टेप्स के थ्रू होगा। तो वन बाय वन हम इन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है एपिबोली, एपिबोली ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एक्टोडम, यानी कि जो प्रोस्पेक्टिव यानी कि जो फ्यूचर एक तरह से हम बोल सकते हैं फ्यूचर फॉर्म, जो फ्यूचर टिश्यू फॉर्मिंग सेल्स है वो जो है एक्टोडम फॉर्म करेगा, उसकी एपिबोली होगी सबसे पहले। तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे एपिबोली द थिनिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ द एनिमल कैप सेल्स ओवर द वेजिटल हेमिस्फीयर, हमने देखा था कि ये जो यहाँ पे एनिमल कैप की जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी, ऐसे इसके ऊपर, ठीक है, वेजिटल साइड के ऊपर क्या करना स्टार्ट कर देगी, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी, जो कि प्रोलीफ्रेशन एंड रेडियल इंटरकलेशन से होगा। ठीक है, प्रोलीफ्रेशन एंड रेडियल इंटरकलेशन से होगा। यहाँ पे दो मैकेनिज्म काम करते हैं, ठीक है, एपिबोली के अंदर दो मैकेनिज्म काम करते हैं। एंड इन दो मैकेनिज्म में से एक हमने देख लिया कि इंक्रीज इन सेल नंबर, यहाँ पे प्रोलीफ्रेशन होगा जो कि डिवीजन के थ्रू होगा। एंड सेकंड यहाँ पे होगा कंकरेंट इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल डीप सेल्स लेयर्स इनटू अपर सेल्स लेयर थ्रू द रेडियल इंटरकलेशन। अब जो सेल है वो ऐसे अपर लेयर है, डीप लेयर ऐसे है, ठीक है, तो इन अपर एंड डीप लेयर के अंदर क्या होगा, ये जो डीप लेयर वाली सेल्स है वो ऊपर की तरफ ऐसे मूव करेंगी, ठीक है। सेवरल डीप सेल्स लेयर्स इनटू अपर सेल्स लेयर, ये जो डीप वाली सेल लेयर्स थी वो अपर साइड क्या करेंगे, अब मूव करेंगे, यानी कि इंटरकलेट करेंगी थ्रू रेडियल इंटरकलेशन। तो यहाँ पे ये दो मैकेनिज्म वर्क करते हैं एपिबोली के अंदर। ये एपिबोली मूवमेंट्स है, डिराइव्स द एक्टोडम ओवर द एंडोडम, ठीक है, एंडोडम के ऊपर एक्टोडम कर लेंगी। अब अगर हम देखें ये जो है इसके अंदर सबसे फर्स्ट है ये वाला पोर्शन, ये तीन पोर्शन में होगा, ये होगा यहाँ पे एंडोडम, बीच वाला मीजोडम होगा एंड अपर वाला यहाँ पे एक्टोडम होगा। तो एक्टोडम वाली सेल्स ने क्या कर लिया, मीजोडम्स को कवर कर लिया है। कवर कैसे किया है, दो मैकेनिज्म से कवर किया है, एक प्रोलीफ्रेशन से, एक रेडियल इंटरकलेशन से। तो ये हो गए यहाँ पे एपिबोली के अंदर ये होगा। अब इसके बाद ये जो हमने रेडियल इंटरकलेशन की बात की थी, सेल्स फ्रॉम द डीपर लेयर सेंड प्रोट्रूसिव प्रोसेसेस रेडली टुवर्ड द सरफेस लेयर ऑफ द सेल्स। अब जो हमने बात की थी कि डीपर सेल्स हैं, अपर सेल्स हैं, तो ये जो डीप और अपर सेल्स हैं इनको बोला जाता है, यहाँ पे इनको बोला जाता है सुपरफिशियल लेयर, एंड एक हो जाएगी यहाँ पे डीपर लेयर, ठीक है, ऊपर वाली सुपरफिशियल लेयर होगी, नीचे वाली डीपर लेयर हो गई। तो अब डीपर जो लेयर है वो डीपर लेयर क्या करेंगी, सेंड प्रोट्रूसिव प्रोसेसेस को सेंड करेगी रेडली टूवर्ड्स द सरफेस लेयर ऑफ द सेल्स, इस साइड ये सेंड करना स्टार्ट कर देंगे, ये सेंड ये जाने लगी इस तक। एंड ये देखें अगर हम इसके अंदर ग्रीन और लाइट ग्रीन है वो सारे की सारी एक ही लाइन के अंदर अरेंज हो गई है। Then physically intercalate between more superficial cells of the as the ectoderm expands outward. जैसे ectoderm expand करेगी outward की तरफ, इसके अंदर क्या होगा, ये completely superficial layers के अंदर intercalate कर जाएगी। तो ये superficial layer थी, ये deeper layer थी, इनके अंदर ये expansion होना start हुआ, expand होके ये space देंगी कि ये radial intercalation जो है ये बीच में ऐसे बीच में आना start हो गई, नीचे की तरफ आना start हो गई और ये ऐसे arrange हो गई।
तो ये क्या होगा यहाँ पे, रेडियल इंटरकेलेशन होगा, डीपर लेयर जो है सुपरफिशियल लेयर्स के साथ को इंटरकेलेट कर देगी। इन दिस रेडियल इंटरकेलेशन ऑफ डीपर लेयर्स एज एक्सपेंडिंग दिस लेयर वेजिटली ओवर द एंडोडर्म, एंड इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे, रेडियल इंटरकेलेशन जो होगी डीपर सेल्स की वो कम्प्लीटली एंडोडर्म को क्या कर लेंगी, वेजिटली ओवर द एंडोडर्म। ठीक है, ये थी यहाँ पे, ये इस साइड की सेल जो है इधर मूव कर रही थी वेजिटल की साइड पे, तो ये इसको कम्प्लीटली क्या कर लेंगी, इस लेयर को एक्सपेंड कर लेगी, डीपर लेयर एक्सपेंड कर देगी एंडोडर्म के ऊपर, नीचे वाला पोर्शन जो था यहाँ पे एंडोडर्म था। तो ये हो गया यहाँ पे रेडियल इंटरकेलेशन। सेकेंड मूवमेंट आती है यहाँ पे वेजिटल रोटेशन एंड द इनवेजिनेशन ऑफ द बोटल सेल्स। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे क्या हुआ, सब फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे दो मैकेनिज्म काम कर रहे थे, एक प्रोलीफ्रेशन था एक रेडियल इंटरकेलेशन था, जिसकी वजह से जो एक्टोडर्म की सेल्स हैं वो रेडली इंटरकेलेट करके वेजिटली वेजिटल साइड में एंडोडर्म को कवर कर ले रही हैं, एंड अब वेजिटल रोटेशन होगी। एज एपिबोली एक्सटेंड द एक्टोडर्म ओवर द वेजिटल हेमिस्फीयर, ये हमने देख लिया कि इसको एक्सटेंड कर रही है। इट इज डूइंग सो वाइल द मीजोडर्म एंड एंडोडर्म आर एक्टिवली मूविंग इनसाइड। अब जब ये चल रही है, रेडियल इंटरकेलेशन भी चल रही है, यानी कि एक्टोडर्म जब वेजिटल साइड को कवर कर रही है, उस टाइम पे मीजोडर्म एंड एंडोडर्म भी एक्टिवली अंदर की तरफ मूव करती है, साइमल्टेनियस चलती है। गैस्ट्रुलेशन जो है फ्रॉग के अंदर वो साइमल्टेनियस चलती है, तो अगर एक्टोडर्म मूव कर रही है तो मीजोडर्म और एंडोडर्म भी मूव कर रही है यहाँ पे। दीज एक्शंस कोरिलेट विद द इंडक्शन ऑफ द मीजोडर्म। अब इन एक्शंस की वजह से, यानी कि जो मूवमेंट है इनकी वजह से मीजोडर्म का इंडक्शन होगा, एंड ऑल्सो लीड टू द इनफोल्डिंग ऑफ द एंडोडर्म टू फॉर्म द एम्ब्रियोनिक और प्रिमिटिव गट और आर्किंड्रोम। अब इसकी वजह से मीजोडर्म का इंडक्शन हो गया, यानी कि मीजोडर्म इंड्यूस हुई। अब ऐसा माना जाता है जो एनिमल और वेजिटल साइड है, ये एनिमल साइड हो गई, ये वेजिटल पोल हो गया, तो इस साइड जो वेजिटल पोल है इस साइड पे एक वेज टी नाम का एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, एक प्रोटीन होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन करता है, यानी कि वेज टी जिस साइड प्रेजेंट होता है वो जो पोर्शन है वो बनेगा एंडोडर्म। ठीक है, वो एंडोडर्म बनेगा, जिस साइड वेज टी प्रेजेंट है वो पोर्शन एंडोडर्म बन जाएगा। एंड जब ये एंडोडर्म बन जाएगा यहाँ पे, तो ये एंडोडर्म कुछ ऐसे ट्रांसक्रिप्शन को ट्रांसक्राइब करेगा जिसकी वजह से यहाँ पे ऊपर की साइड जो सेल्स हैं, ऊपर की साइड वाली सेल्स क्या करेंगी, मीजोडर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये क्या हो जाएंगी, मीजोडर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। तो यानी कि हम बोल सकते हैं ये जो यहाँ पे एंडोडर्म बनने के बाद मीजोडर्म क्या हुई है, इंड्यूस हुई है, यानी कि इसका इंडक्शन हुआ है, और इंडक्शन की वजह से क्या हुआ, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उन्होंने इंड्यूस किया इन सेल्स को कि वो मीजोडर्म बने, एंड ऑल्सो लीड टू द इनफोल्डिंग ऑफ द एंडोडर्म, और इसके अलावा जो एंडोडर्म है उसकी भी इनफोल्डिंग हो जाएगी। देखो, सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे मीजोडर्म का इंडक्शन हो गया, सेकेंड यहाँ पे क्या हुई है, इनफोल्डिंग हुई है एंडोडर्म की टू फॉर्म द एम्ब्रियोनिक और प्रिमिटिव गट जिसको आर्किंटेरोन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आर्किंटेरोन बनना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि प्रिमिटिव गट और एम्ब्रियोनिक गट बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो वेजिटल रोटेशन के अंदर यहाँ पे साइमल्टेनियस जो है मूवमेंट चलती है, सेकेंड यहाँ पे इंडक्शन होगा मीजोडर्म का, इसके बाद जो है एंडोडर्म की फोल्डिंग होगी, और एंडोडर्म की फोल्डिंग होने के बाद एम्ब्रियोनिक और प्रिमिटिव गट और आर्किंटेरोन बन जाएगी, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। दिस इनफोल्डिंग रिक्वायर्स द बकलिंग ऑफ द आउटर एपिथीलियम एट द इनवेजिनेशन पॉइंट। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे ये जो है ये जो आर्किंटेरोन बनी है वो बन जाएगी, इसके लिए क्या है यहाँ पे बकलिंग होती है आउटर एपिथीलियम की, यानी कि एक इंडेंट बनेगा, यानी कि यहाँ पे कट ऐसा आएगा जिसकी वजह से जो इन्वेजिनेशन पॉइंट है जहाँ से ये इन्वेजिनेट हो रहे हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट जहाँ से ये इन्वेजिनेट हो रही हैं, इस साइड पे क्या होगा, एक इंडेंशन इंडेंट लगेगा, यानी कि एक यहाँ पे बकलिंग होगी आउटर एपिथीलियम की। आउटर एपिथीलियम की बकलिंग होने के बाद क्या हो जाएगा, ये ऐसे बना लेगा एक जो है इमेजिनेशन पॉइंट के ऊपर, ये इनफोल्ड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर ये होता है। अब इसके अंदर क्या होगा नेक्स्ट,
मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस इन्वेजिनेशन इज इनिशिएटेड ऑन द फ्यूचर डोर्सल साइड ऑफ द एम्ब्रियो। एंड ये जो इन्वेजिनेशन है, जो हमने बोला है कि जो आर्केंटेरोन बनाएगी वो इनिशिएटेड होती है फ्यूचर डोर्सल साइड के ऊपर। हमने देख लिया था यहाँ पे वेंट्रल साइड होगी, इस साइड ये डोर्सल साइड होगी, तो डोर्सल साइड की तरफ क्या करना स्टार्ट होगा यहाँ पे, ये जो इन्वेजिनेशन है वो होनी स्टार्ट होगी जस्ट बिलो द इक्वेटर इन द रीजन ऑफ द ग्रे क्रिसेंट। ग्रे क्रिसेंट के रीजन में ही होगा। हमने देखा था कि ग्रे क्रिसेंट से ही क्या होगा यहाँ पे, गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होगी। तो ग्रे क्रिसेंट के रीजन में यहाँ पे क्या स्टार्ट होगा, अब नेक्स्ट जो इन्वेजिनेशन है वो स्टार्ट होगी, यानी कि ये जो है पोर्शन इसके अंदर ऐसे इन्वेजिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये यहाँ पे इन्वेजिनेशन स्टार्ट हो गई है। और ये जो है ये क्या है, ये सेल्स हैं बोटल सेल्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे, हियर द सेल्स इन्वेजिनेट टू फॉर्म द स्लिट लाइक ब्लास्टोपोर। अब जो सेल्स जो है यहाँ पे इन्वेजिनेट होगी, वो एक स्लिट लाइक ब्लास्टोपोर फॉर्म कर लेगी एंड दस ऑन द डोर्सल साइड, ठीक है, डोर्सल साइड के ऊपर दिस रीजन अंडर गोइंग इन्वेजिनेशन। एंड ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यही क्या जाएगा, इन्वेजिनेशन के अंडरगो जाएगा, और इसको बोला जाता है डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप, यानी कि डी डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप, यानी कि DPL, ठीक है। तो ये डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप बन जाएगा यहाँ पे, डी ब्लास्टोपोर DBL, ठीक है, यहाँ पे ये डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, अब द फॉर्मेशन ऑफ द डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप, ठीक है, ये जो फॉर्मेशन हुई है डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप की इज फैसिलिटेटेड बाय अ चेंज इन द शेप ऑफ द एपिथेलियल सेल्स टू रिजेंबल बोटल सेल्स। ये ऐसे इन सेल्स की शेप को चेंज कर देंगे कि ये जो एपिथेलियम की सेल्स थी इनकी सेल्स को ऐसे चेंज कर देगी कि बोटल शेप की बन जाए, जैसे बोटल शेप की बन जाए, ठीक है, इसलिए इनको बोटल सेल्स बोला जाता है। द मेन बॉडी ऑफ ईच सेल इज डिस्प्लेस्ड टूवर्ड द इनसाइड। अब इनकी जो मेन बॉडी है यहाँ पे एम्ब्रियो की, वो क्या करेगी, अंदर की तरफ डिस्प्लेस होगी वाई मेंटेनिंग कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड सरफेस बाई अ सिलेंडर नेक। अब एक सिलेंडर नेक होगी जिसके थ्रू ये क्या करके रखेगी यहाँ पे, इस आउटर जो इसकी बाहर वाली लेयर थी, आउटर सरफेस था, उससे ये कॉन्टेक्ट बना के रखेगी, ठीक है, तो ये इससे कॉन्टेक्ट बना के रखेंगे बोटल सेल्स। लेकिन ये अंदर की इनसाइड टुवर्ड्स जो है डिस्प्लेस भी होती रहेंगी, यानी कि इस साइड ये मूव भी करती रहेंगी। तो गैस्ट्रुलेशन जो है ये कहां से स्टार्ट होती है, ये हमने देख लिया कि हम अब तक बात करते हैं वेजिटल रीजन के अंदर ये सारी की सारी मूवमेंट हो रही है, यानी कि एक्टोडर्म वेजिटल जो वेजिटल पोल है उसको कवर कर रही है, लेकिन वहां से इसके अंदर जो गैस्ट्रुलेशन है वो स्टार्ट नहीं होती है, ये स्टार्ट होती है मार्जिनल जोन से। ये मार्जिनल जोन है इसका, ठीक है, ये मार्जिनल जोन है, यानी कि जो रीजन सराउंड करता है इक्वेटर ऑफ द ब्लास्टुला वेयर द एनिमल एंड वेजिटल हेमिस्फीयर मीट, जहाँ पे एनिमल और वेजिटल हेमिस्फीयर, ये साफ साफ दिख रहा है एनिमल और वेजिटल हेमिस्फीयर मिलते हैं, वहाँ पे क्या होती है गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होगी। एंड ये पोर्शन कौन सा है, ग्रे क्रिसेंट वाला है, यहाँ पे डोर्सल ब्लास्टोपोर लीप भी प्रेजेंट है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे ये एनिमल पोल हो गया, वेजिटल पोल हो गया, ये ब्लास्टोसील होगी, सुपरफिशियल सेल्स होंगी, इस साइड डीपर लेयर्स होंगी, और ये डीपर लेयर्स क्या करेंगी, सुपरफिशियल सेल्स को जो अपर वाली लेयर है उनको इंटरकेलेट करेगी। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जो ये वेजिटल रोटेशन होगी, एंड वेजिटल रोटेशन के बाद यहाँ पे एक जो है डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप बनेगा ग्रे क्रिसेंट के पास, एंड यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बोटल सेल्स बनेगी, एंड ये क्या करेंगी अंदर की तरफ मूव करेंगी, ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगी अंदर की तरफ मूव करेगी। तो इसके बाद ये दो स्टेप हो गए हैं, नेक्स्ट स्टेप ये आएगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, अब यहाँ पे और ज्यादा मूव करेगी, एंड मूव करने की वजह से ये आर्केंटेरोन बना लेगी, ठीक है, जो प्रिमिटिव गट है वो फॉर्म कर लेगी। तो नेक्स्ट अगर देखें, एट लीस्ट 2 आवर्स बिफोर द बोटल सेल फॉर्मेशन, ठीक है, अब जो बोटल सेल बनी है उसके 2 घंटे पहले द सेल्स ऑफ द फ्लोर ऑफ द ब्लास्टोसील मूव अपवर्ड टुवर्ड द एनिमल कैप,
जो सेल है ब्लास्टोसील की वो अपवर्ड मूव करेगी एनिमल कैप की तरह, कैप कैप की तरफ, बट प्रेफरेंसली स्पायरलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रिजम्पटिव डोर्सल साइड ऑफ द अर्ली गैस्ट्रोला। लेकिन ये क्या करेंगे, मूव तो करेंगे उसकी तरफ लेकिन ये प्रेफरेंसली स्पायरलिंग कर लेंगे, जो डायरेक्शन है इनकी स्पायरल डायरेक्शन होगी जो प्रिजम्पटिव डोर्सल साइड है, यानी कि जो डोर्सल साइड इसकी हमने देख ली कि डोर्सल साइड कहाँ साइड है अर्ली गैस्ट्रोला की। एंड इसको क्या बोला जाता है, वेजिटल रोटेशन बोला जाता है, इसी स्टेप को वेजिटल रोटेशन बोला जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे जो प्रिजम्पटिव डोर्सल साइड है अर्ली गैस्ट्रोला की, उस डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे प्रेफरेंसली स्पायरलिंग होगी जो ब्लास्टोसिस के ऊपर यहाँ पे जो बोटल सेल्स बनी हुई है। एंड इसके बाद जैसे कि कैसे मूवमेंट होगी, ये एनिमल और वेजिटल पोल हो गए, ये हो गए यहाँ पे ब्लास्टोसील की रूफ हो गई है, एंड ये ब्लास्टोसील हो गई, अंदर वाली ब्लास्टोसील हो गई, ये इसकी रूफ हो गई। एंड इस वे में ये क्या कर रही है, यहाँ पे मूव कर रही है, ठीक है। एटलीस्ट बिफोर 2 आवर्स ऑफ द बोटल सेल्स फॉर्म, बोटल सेल्स यहाँ पे बनेगी, उनके बोटल सेल्स के बनने से पहले जो सेल्स है ऑफ द फ्लोर ऑफ द ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील की सेल्स की जो फ्लोर, जो फ्लोर की सेल्स है, ये रूफ होगी तो इस साइड फ्लोर हो गई, फ्लोर की जो सेल्स है वो मूव करना स्टार्ट करेगी ऊपर की तरफ, वो ऊपर की तरफ मूव करेंगी टुवर्ड्स द एनिमल कैप, बट प्रेफरेंसली स्पायरलिंग इन द डायरेक्शन। अब ये स्पायरलिंग कर रही है डायरेक्शन के अंदर, जा तो रही है ऊपर की तरफ लेकिन प्रेफरेंसली स्पायरलिंग कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिजम्पटिव डोर्सल साइड। डोर्सल साइड कौन सी है, ये वाली इसकी डोर्सल साइड है। अब इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वेजिटल रोटेशन। तो ये वेजिटल रोटेशन होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे इट प्लेसेस द प्रोस्पेक्टिव फेरेंजियल एंडोडर्म सेल्स एडजेसेंट टू द ब्लास्टोसील। इसकी वजह से जो यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव फेरेंजियल एंडोडर्म थी, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव फेरेंजियल एंडोडर्म थी, यानी कि ये वाला पोर्शन, एंड इमीजिएटली अबाउ द इन्वोल्यूटिंग सेल्स, यहाँ से सेल्स जो है वो इन्वोल्यूट कर रही है, ये बोटल सेल्स होगी, ये सेल्स जो है इन्वोल्यूट कर रही है, इस साइड भी कर रही है, तो अबाउ द इन्वोल्यूटिंग सेल्स दैट विल गिव राइज टू मिजोडम, जो क्या गिव राइज करेगी, मिजोडम देगी, यानी बीच वाली जो है ये मिजोडम फॉर्म करेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव एक्टोडम है, ठीक है, इसके बाद वेजिटल एंडोडर्म इस साइड होगी, ये हो गया साइट ऑफ ब्लास्टोपोर फॉर्मेशन, यहाँ पे ब्लास्टोपोर फॉर्मेशन की साइट हो गई, ये है हेड मिजोडम, ठीक है, जहां पे गुस्कोइड प्रोटीन्स और जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये है कोर्डा मिजोडम, ठीक है, कोर्डा मिजोडम हो गई यहाँ पे। तो ये जो प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्म की सेल्स है वो ऐसे मूव करके वेजिटल साइड तक जाती है, देन यहाँ पे ये सेल्स जो है ये ऐसे मूव करके जाती है इस साइड पे, एंड ये सेल्स आपस में ऐसे मूव करती है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाएगी, ये मिजोडम फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड ये जो है फेरेंजियल एंडोडर्म हो गई यहाँ पे, ये बोटल सेल्स हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट एक्टोडर्म जो है ये एपिबोलिस हो कर रही है, यानी कि इस साइड ये कर, इसने मूवमेंट करनी स्टार्ट कर दिया, एपिबोलिस स्टार्ट कर दी, ये ब्लास्टोपोर बन गया यहाँ पे, ये सेल जो है अंदर की तरफ ऐसे प्रेशर क्रिएट कर रही है कि अंदर की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बकलिंग होगी टिश्यू के, आउटर टिश्यू जो होगा एपिथिलियम जो होगी उसकी बकलिंग होगी। देन फेरेंजियल एंडोडर्म टू एनिमल पोल, एनिमल पोल की तरफ ये जो फेरेंजियल एंडोडर्म है ये मूव करना स्टार्ट कर रही है। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव फेरेंजियल एंड्रोडर्म सेल्स जो है एडजेसेंट टू ब्लास्टोसील एंड इमीजिएटली अबाउ द इनवोल्यूटिंग सेल्स, जो इनवोल्यूटिंग सेल्स हैं इमीजिएटली उनके ऊपर प्रेजेंट है, ये क्या करेगी, ये मिजोडर्म गिव राइज करेगी। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द एंडोडर्मल एंड मिजोडर्मल सेल्स, अब ये जो कॉम्बिनेशन है एंडोडर्मल और मिजोडर्मल सेल्स का, जिसको एंडो मिजोडर्म भी बोला जाता है, देन माइग्रेट अलोंग द बेसल सर्फेस, ये फिर बेसल सरफेस के अलोंग विद माइग्रेट करेगा ऑफ द ब्लास्टोसील रूफ, जो ब्लास्टोसील रूफ होगी, एंड ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर एंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो, और जो फ्यूचर एंटीरियर होगा एम्ब्रियो का उसकी तरफ ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये यहाँ पे होता है वेजिटल रोटेशन के बाद, सबसे फर्स्ट यहाँ पे वेजिटल रोटेशन होगी। वेजिटल रोटेशन कब होगी, जब बोटल सेल्स नहीं बनी होगी, यानी बोटल सेल्स के जस्ट बनने से पहले होगी। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्या होगी, जो प्रोस्पेक्टिव फेरेंजियल एंडोडर्म है,
प्रोस्पेक्टिव फ्रेंजियल एंडोडर्म जो है, एंडोडर्म सेल्स जो है वो क्या करना स्टार्ट करेगी, वो ब्लास्टो जो इसका एडजेसेंट ब्लास्टोसील है इन्वोल्यूटिंग सेल्स के जो इमीजिएटली अबाउट प्रेजेंट है उसको ये क्या करेगी, उससे ये मीजोडर्म गिव राइज करेंगी। मीजोडर्म गिव राइज करने के बाद यहाँ पे एक बनेगा एंडोमीजोडर्म, यानी कि एंडोडर्मल और मीजोडर्मल सेल से यहाँ पे एंडोमीजोडर्म बनेगा। देन ये बेसल सरफेस तक मूव करेंगी ब्लास्टोसील रूफ की, एंड ये एंटीरियर साइड जो होगी एम्ब्रियो की उस तक मूव कर जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे होगा इनवोल्यूशन एट द ब्लास्टोपोर लीप। ठीक है, इनवोल्यूशन कैसे होगा ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर लीप के ऊपर। As the migrating marginal cells reaching the lip of blastopore, they turn inward and travel along the inner surface. ठीक है, जैसे ही ये यहाँ तक पहुंचेंगी ये टर्न इनवर्ड कर देंगी और ये साइड मूव करना स्टार्ट कर देगी। ऑफ द आउटर एनिमल हेमिस्फीयर ऑफ द एक्टोडर्मल सेल्स दैट इज ब्लास्टोसील रूफ की तरफ ये मूव करना स्टार्ट कर देंगी। दिस बिहेवियर ऑफ अ टिश्यू टर्निंग इनवर्ड एंड स्प्रेडिंग ओवर एन इंटरनल सर्फेस। ठीक है, इंटरनल सरफेस के ऊपर ऐसा टिश्यू जो कि पहले तो अंदर की तरफ इनवर्ड टर्निंग कर रहा है फिर वो स्प्रेड हो रहा है इंटरनल सरफेस के ऊपर, इसको ही इस प्रोसेस को ही बोला जाता है इन्वोल्यूशन। एंड द सेल्स ऑफ द एम्फीबियन गैस्ट्रुला दैट एग्जिबिट दिस बिहेवियर आर ऑफ्टन रेफर्ड टू एज इनवोल्यूटिंग मार्जिनल जोन, यानी कि IMZ इसको बोला जाता है। ये यहाँ पे IMZ फॉर्म हुआ है, यानी कि कॉर्डा मिजोडम और हेड मिजोडम बना के ये IMZ फॉर्म करते हैं। ये जो पोर्शन है यहाँ पे ये वाला क्या है IMZ है ये वाला। अब ये पोर्शन क्या कर रहा है, साथ में तो ये इन्वोल्यूट कर रहा है अंदर की तरफ इनवर्ड टर्न कर रहा है, ये साथ में ये स्प्रेड हो रहा है इंटरनल सरफेस के ऊपर और ये IMZ फॉर्म कर लेंगे। Importantly, the layers of the ectoderm and underlying endomysoderm. अब endomysoderm जो layer है वो अंदर की तरफ move कर चुकी है, तो ये endomysoderm की और जो ectoderm की layer है यानी कि mesoendoderm की stay separated by a tight space of extracellular matrix called the cleft of Brachet. ठीक है, इसको क्या बोला जाता है क्लेफ्ट ऑफ ब्रास्चेट बोला जाता है। तो ये जो लेयर है एक्टोडर्म की और अंडरलिंग मीजो एंडोमीजोडर्म या फिर मीजो एंडोडर्म की, ये सेपरेट रहेगी एक टाइट स्पेस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की वजह से। ठीक है, ये दोनों ऐसी बात नहीं कि ये जुड़ी रहेगी, एक टाइट स्पेस होगा जिसको क्लेफ्ट ऑफ ब्रास्चेट बोलते हैं, उसके थ्रू ये टाइटली सेपरेट रहेंगी। The first IMZ cells to compose the dorsal blastopore lip and involute into the embryo as the cells of the prospective pharyngeal endoderm of the foregut. अब जो first IMZ cells है, ठीक है, ये यहाँ पे IMZ cells है, तो ये जो IMZ है तो firstly ये जो IMZ cells है ये compose करेंगे एक dorsal, ये यहाँ पे कंपोज करना स्टार्ट कर देंगी डोर्सल ब्लास्टोपोर लीप। हमने ये तो देखा था कि डोर्सल ब्लास्टोपोर लीप यहाँ पे बना है, तो वो कैसे बना है, ये जो IMZ सेल्स है ये डोर्सल ब्लास्टोपोर लीप बनाएंगी एंड इन्वोल्यूट द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के अंदर क्या कर देंगे इसको इन्वोल्यूट कर देंगे, इनके अंदर की तरफ ऐसे मूवमेंट कर देंगे। आर द सेल्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव फ्रेंजियल एंडोडर्म, एंड ये सेल्स कौन सी होती है, ये होती है प्रोस्पेक्टिव फ्रेंजियल एंडोडर्म की, जो कि प्रोस्पेक्टिव फ्रेंजियल एंडोडर्म की सेल्स थी वही क्या करना स्टार्ट करेंगी अब यहाँ पे, वो अंदर की तरफ वो IMZ को क्या करेंगी यहाँ पे या फिर डोर्सल ब्लास्टोपोर लीप को क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्म करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या हुआ है एक्टोडर्म और एंडोमीजोडर्म है। ठीक है, एक्टोडर्म जो लेयर्स हैं एक्टोडर्म्स की एंड एंडोमीजोडर्म्स की वो सेपरेट रहती है क्लेफ्ट ऑफ ब्रास्चेट की वजह से। सेकंड यहाँ पे जो IMZ सेल्स हुई है वो डोर्सल ब्लास्टोपोर लीप बनाएंगी। ठीक है, एंड इनवोल्यूट द एम्ब्रियो आर द सेल्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव फ्रेंजियल एंडोडर्म, एंड जो सेल्स इनवोल्यूट कर रही है वो क्या है प्रोस्पेक्टिव फ्रेंजियल एंडोडर्म है फोरगट की। ठीक है, फोरगट एंटीरियर साइड में होगी तो ये इस तरफ ये मूव करेंगी जो कि प्रोस्पेक्टिव फ्रेंजियल एंडोडर्म की होगी। ये यहाँ पे है फ्रेंजियल एंडोडर्म की सेल्स, तो यही है जो फोरगट सेल्स है ये इन्वोल्यूट कर रही है अंदर की तरफ जा रही है ये। These cells collectively migrate anteriorly beneath the surface ectoderm of the blastocoel. And ये क्या कर रही है ऐसे अंदर की तरफ ही मूव कर रही है।
ठीक है। एंड ये देखिए, अगर हम ये अंदर की तरफ ऐसे मूव कर रही है, जो इसका ये जो जो यहाँ पे ब्लास्टोसील है, जो एक्टो सरफेस एक्टोडम ऑफ द ब्लास्टोसील है, उसके बिनेंथ ये एंटीरियरली ये मूव कर रही है, जो सेल्स हैं ये यहाँ पे। दीज एंटीरियर एंडोडर्म सेल्स ट्रांसक्राइब HHX जीन, ठीक है, एक जीन होता है HHEX जीन, इसको ये ट्रांसक्राइब करेंगी, ये जो फेरिंजियल एंडोडर्म की जो एंटीरियर सेल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, विच इनकोड्स अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट इज क्रिटिकल फॉर फॉर्मिंग द हेड एंड हार्ट। जो HHX है, H4 यहाँ पे हेड हो गया, ऐसे याद कर सकते हैं, H4 यहाँ पे हार्ट हो गया। तो ये जो HHEX जीन है ये क्या करेगी, अब ये जो फेरिंजियल एंडोडर्म है ये क्या कर रही है, यहाँ पे HHEX जीन को ट्रांसक्राइब कर रही है। एंड ये जो HHX जीन है ये क्या कर रहा है, ये क्रूसियल है हेड एंड हार्ट की फॉर्मेशन के लिए। अब ये अगर जीन यहाँ से मिस होता है तो यहाँ पे हेड एंड हार्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। As the these first cells passed into the interior of the embryo, the dorsal blastopore leaf become composed of cells that involute into embryo to become the pre-caudal plate, the precursor of the head mesoderm. And इसके बाद ये जो cells जो है interior of the embryo के अंदर pass जाएंगी, यानी कि वहाँ पे pass होंगी। तो ये जो dorsal blastopore leaf है, ये जो सेल्स इन्वोल्यूट कर रहा है एम्ब्रियो के अंदर, ये प्री कोर्डल प्लेट फॉर्म करेगा यहाँ पे, ठीक है, ये प्री कोर्डल प्लेट फॉर्म करेगा। एंड ये जो प्री कोर्डल प्लेट है ये हेड मिजोडम फॉर्म करेगा, ठीक है, प्रीकर्सर होगा हेड मिजोडम का, जिससे इन फ्यूचर यहाँ पे हेड मिजोडम फॉर्म होगा। प्री कोर्डल प्लेट सेल्स ट्रांसक्राइब द गुस्कोई जीन, ठीक है, ये जो प्रीकोर्डल प्लेट है ये गुस्कोई जीन को ट्रांसक्राइब करेगी, हुज प्रोडक्ट इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट एक्टिवेट्स न्यूमरस जीन कंट्रोलिंग हेड फॉर्मेशन। तो प्रीकोर्डल प्लेट है, ये जो प्रीकोर्डल प्लेट है ये क्या कर रही है, यहाँ पे गुस्कोइड जीन को ट्रांसक्राइब कर रही है। एंड ये गुस्कोइड जीन जो है इसका एक ये जो है हुज प्रोडक्ट इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को बनाएगा। एंड ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करेगा, कुछ दूसरे जीन्स को, न्यूमरस जीन को एक्टिव करेगा। एंड ये न्यूमरस जीन क्या करेंगे, हेड फॉर्मेशन को कंट्रोल करके रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीकोर्डल प्लेट जो है वो ट्रांसक्राइब करती है गुस्कोइड जीन को, गुस्कोइड जीन फर्दर कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को फॉर्म करते हैं। एंड ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कुछ न्यूमरस जीन को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है यहाँ पे, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर न्यूमरस जीन को एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट न्यूमरस जीन, ये एक्टिवेट का साइन होगा, एक्टिवेट करेंगे न्यूमरस जीन को। एंड ये न्यूमरस जीन क्या करेंगे, ये कंट्रोल करेंगे हेड फॉर्मेशन को, ठीक है, हेड फॉर्मेशन को ये क्या करके रखेंगे, कंट्रोल करके रखेंगे। तो इस वे में यहाँ पे प्रीकोर्डल प्लेट का फंक्शन परफॉर्म होता है। इट अचीव्स दिस एक्टिवेशन इनडायरेक्टली बाय रिप्रेसिंग दोज जीन, जैसे कि WNT8 जीन हो गया, दैट रिप्रेस हेड डिवेलपमेंट। WNT8 जीन क्या करेगा, हेड की डिवेलपमेंट को रिप्रेस कर देता है। तो ये क्या करते हैं, ये जो जीन्स है, ये जो गुस्कोइड जीन्स है या फिर ये जो न्यूमरस कंट्रोलिंग जीन्स है, ये जो जीन्स है ये कैसे एक्टिवेट हुए हैं, ये इनडायरेक्टली एक्टिवेट हुए हैं। कैसे इनडायरेक्टली एक्टिवेट हुए हैं, कुछ अदर जीन्स को रिप्रेस करके, ठीक है, कुछ अदर जीन्स थे जो कि हेड फॉर्मेशन नहीं होने दे रहे थे, उनको रिप्रेस करके इन जीन्स का एक्टिवेशन करके हेड फॉर्मेशन करवाई जाती है। दिस फिनोमिना, यानी कि ये जो फिनोमिना है दूसरे जीन्स को रिप्रेस करके दूसरे जीन को एक्टिवेट करवाने का, यानी कि द एक्टिवेशन ऑफ जीन बाय रिप्रेसिंग देयर रिप्रेसर, उनके रिप्रेसर को एक्टिवेट करवाने का। क्योंकि जब रिप्रेसर उसके साथ बाइंड कर जाएगा, जो भी वहां पे इनका प्रोडक्ट होगा, तो वो उसको अपने साथ बांध के रखेगा, वो उसको नेक्स्ट वहां पे उन जीन को ट्रांसक्राइब नहीं होने देगा, ठीक है। इज अ मेजर फीचर ऑफ द एनिमल डिवेलपमेंट। ऐसा कई केसेस में हम देखेंगे डिवेलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर कि कुछ जीन्स का रिप्रेशन करवा के दूसरे जीन्स को एक्टिवेट करवाया जाता है, जो कि इनके एनिमल की डिवेलपमेंट के अंदर हेल्प करता है।
तो यहाँ पे प्रीकोडल प्लेट जो है गुस्कोइड जीन्स को एक्टिवेट करेगी, ट्रांसक्राइब करेगी, गुस्कोइड जीन्स की कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करेंगे, बनाएंगे, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कुछ जीन्स को एक्टिवेट करेंगे एंड वो जीन्स जो है वो हेड फॉर्मेशन करेंगे एंड ये जीन्स जो है किसी दूसरे जीन की दूसरे जीन्स की रिप्रेसिंग से एक्टिवेट हुए हैं. द सेल्स ऑफ द कोर्डा मिजोडम विल फॉर्म द नोटोकोर्ड. ठीक है, कोर्डा मिजोडम की जो सेल्स हैं आप वो क्या फॉर्म करेंगी, नोटोकोर्ड फॉर्म करेंगी. अभी जो कोर्डा मिजोडम है, जो ये कोर्डा मिजोडम है, ये एक्सप्रेस करती है TBXT जीन. ठीक है, TBXT जीन को एक्सप्रेस करती है एंड ये TBXT जीन क्या करेगा, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करता है एंड ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्रिटिकल होता है नोटोकोड फॉर्मेशन के लिए, नोटोकोड फॉर्मेशन के लिए. तो कोर्डा मिजोडम से क्या बनेगी, नोटोकोड फॉर्मेशन होगी. दस द सेल्स कंस्टिट्यूटिंग द डोर्सल ब्लास्टोपोड लिंब आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एज द ओरिजिनल सेल माइग्रेट इंटू एम्ब्रियो एंड रिप्लेस्ड बाय द सेल माइग्रेटिंग डाउनवर्ड्स इनवर्ड एंड अपवर्ड. तो ये जो सेल है जो ये अंदर की तरफ मूव करती जा रही है, ये यहाँ से अंदर की तरफ मूव करती जा रही है, तो जब ये सेल अंदर की तरफ मूव करेंगी तो इसके रिजल्ट में यहाँ पे ये जो सेल्स हैं ये रिप्लेस कर दी जाएंगी डाउनवर्ड इनवर्ड एंड अपवर्ड एंड ये फॉर्म कर लेगी यहाँ पे डोर्सल ब्लास्टोपोरलिप. यहाँ पे बना ही हुआ था ये, यहाँ पे लेटरल वेंट्रल ब्लास्टोपोरलिप फॉर्म कर लेंगी एंड जिसकी वजह से यहाँ पे मीजोडर्मल एंड एंडोडर्मल प्रीकर्सल सेल्स पास होंगी एंड ये मीजोडर्मल और एंडोडर्मल प्रीकर्सल सेल्स हैं, ये प्रीकर्सल्स होते हैं हार्ट एंड किडनी के. ठीक है, इनसे हार्ट एंड किडनी फॉर्म होगा फ्यूचर में. विद द फॉर्मेशन ऑफ वेंट्रल लिप, अभी जो वेंट्रल लिप बना है यहाँ पे वेंट्रल ब्लास्टोपोर लिप बना है इस साइड में, द ब्लास्टोपोर हैज फॉर्म्ड अ रिंग अराउंड द लार्ज एंडोडर्मल सेल. तो ये क्या कर लेगा, जो एंडोडर्मल सेल्स है उनके अराउंड एक रिंग फॉर्म कर लेगा दैट रिमेन्स एक्सपोज्ड ऑन द वेजिटल सरफेस एंड ये रिंग जो है वेजिटल सरफेस के ऊपर एक्सपोज रहेगी. दिस रिमेनिंग पैच ऑफ एंडोडर्म इज कॉल्ड योक प्लग एंड इसको बोला जाता है योक प्लग. ये क्या है, यहाँ पे एक्सपोज्ड है एंड इसी को योक प्लग बोला जाता है. It to eventually internalize at the site of the anus and ये eventually क्या हो जाएगी, internalized हो जाएगी anus की साइड पे. At the point all the endodermal precursors have been brought into the interior of the embryo. तो ये जो endodermal precursors है वो क्या होंगे, interior of embryo के अंदर जाएंगे. The ectoderm has enveloped the surface. अब एक्ट्रोडर्म क्या कर लेगी, सरफेस को एनवेलप कर लेंगे, नहीं सरफेस को एक तरह से कवर कर लेगी एंड मीजोडर्म हैज बीन बोट बिटवीन देम और मीजोडर्म इनके बीच में आ जाएगी. तो ये यहाँ पे एक्ट्रोडर्म जो है बाहर की तरफ हो गई. ठीक है, एक्ट्रोडर्म बाहर की तरफ हो गई एंड इसके बाद अगर हम मीजोडर्म की बात करें, ये एंडोडर्म हो गई, मीजोडर्म इनके बीच में आ जाएगी. ठीक है, मीजोडर्म क्या हो जाएगी, इनके बीच में आ जाएगी, जो ये रेड वाली है मीजोडर्म है इनके बीच में आ जाएगी. तो इस वे में ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे अंदर की तरफ इनके दोनों के बीच में प्रेजेंट रहेगी. इसके बाद लास्ट स्टेप है कन्वर्जेंट एक्सटेंशन ऑफ द डोर्सल मीजोडर्म. ठीक है, एक्सटेंशन होगा. अब यहाँ पे जो IMZ बना था इज ओरिजिनली सेवरल लेयर थिक. ठीक है, ये क्या होता है, सेवरल लेयर थिक होता है एंड शॉर्टली बिफोर देयर इन्वोल्यूशन थ्रू द ब्लास्टोपोर लिप द सेवरल लेयर ऑफ द डीप IMZ सेल्स इंटरकलेट रेडली टू फॉर्म वन थिन ब्रॉड लेयर. अब ये जो सेल्स है ये इन्वोल्यूट होगी, अंदर की तरफ जाएंगी डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप के थ्रू. तो इसके जाने से पहले यानी इसको इसके इन्वोल्यूशन से पहले यहाँ पे क्या होगा, जो डीप लेयर है IMZ की वो इंटरकलेट कर लेंगी, रेडली इंटरकलेट करेंगी अपर वाली सेल्स को. दिस इंटरकलेशन फर्दर एक्सटेंड IMZ वेजिटली.
तो ये बेसिकली आई एम जेड को क्या कर देगा, एक्सटेंड कर देगा, ये जो इंटरकेलेशन हुई है यहाँ पे डीप लेयर्स की। एट द सेम टाइम सुपरफिशियल सेल्स स्प्रेड आउट बाय डिवाइडिंग एंड फ्लैटिंग, ठीक है। इसके अलावा जो सुपरफिशियल सेल्स थी, अपर सेल लेयर्स थी, वो क्या करेंगी, वो स्प्रेड हो जाएंगी डिवाइडिंग की वजह से, डिवाइड करेंगी, प्रोलीफरेट होंगी एंड वो स्प्रेड आउट हो जाएंगी। When the deep cells reach the blastopore lip, और जब ये deep cells हैं blastopore lip तक पहुंचेगी, they involute the embryo, embryo को involute into the embryo and initiate a second type of intercalation, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अंदर की तरफ जो डीप लेयर्स प्रेजेंट है, ये डीप लेयर्स क्या करेंगे, इन्वोल्यूट करेगी एम्ब्रियो के अंदर एंड एक सेकेंड लेयर ऑफ इंटरकेलेशन को स्टार्ट कर देगी, ठीक है। यहां से सेकेंड टाइप ऑफ इंटरकेलेशन स्टार्ट हो जाएगा। दिस इंटरकेलेशन कॉजेज ए कन्वर्जेंट एक्सटेंशन, और ये इंटरकेलेशन क्या करता है, कन्वर्जेंट एक्सटेंशन कॉज करता है अलोंग द मेरीडायोलेटरल एक्सिस, ठीक है, मेरीडायोलेटरल एक्सिस के अलोंग विद दैट इंटीग्रेट सेवरल मेसोडर्मल स्ट्रीम्स टू फॉर्म अ लॉन्ग नैरो बैंड। एंड ये क्या करेगा, जो मेसोडर्मल स्ट्रीम्स बनी है, ऐसे जैसे मेसोडर्मल स्ट्रीम्स यहाँ पे निकलेंगी कन्वर्जेंट एक्सटेंशन की जैसे, एक जगह से निकल रही है, तो ये क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा सेवरल मेसोडर्मल स्ट्रीम को एक लॉन्ग नैरो बैंड के अंदर। The interior part of the band migrates toward the animal cap, and इसका जो anterior portion होगा वो क्या कर जाएगा, animal pole की तरफ move कर जाएगा, migrate कर जाएगा। Thus the mesodermal stream continues to migrate towards the animal pole, and ये जो mesodermal ऐसे बना था, ये ऐसे मूव करता रहेगा एनिमल कैप की तरफ, तो ये जो मेसोडर्मल स्ट्रीम बना था कंटिन्यू टू माइग्रेट टुवर्ड्स द एनिमल पोल एंड द ओवरलेइंग लेयर्स ऑफ सुपरफिशियल सेल्स, जो इसको ओवरले करेंगी, जो सेल्स जैसे कि बोटल सेल्स भी इसमें इंक्लूड होती है, पैसिवली पुल्ड टुवर्ड्स द एनिमल पोल, इसको पैसिवली क्या करेगी, एनिमल पोल की तरफ पुल करेगी, फॉर्मिंग द एंडोडर्मल रूफ ऑफ द आर्किंटेरोन। एंड ये क्या फॉर्म कर देगी, एंडोडर्मल रूफ जो होती है आर्केंटेरोन की, वो फॉर्म कर देगी। यहाँ पे जैसे आर्केंटेरोन बनी है, तो जो एंडोडर्मल रूफ है उसको ये फॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। द रेडियल एंड मेरिडियोलेटरल इंटरकेलेशन ऑफ डीप लेयर्स ऑफ सेल्स अपीयर्स टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूड मूवमेंट ऑफ मेसोडर्म इनटू द एम्ब्रियो, यानी जो मेसोडर्म की एनिमल पोल की तरफ मूवमेंट हो रही है उसके लिए क्या है, ये इंटरकेलेशन रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे अगर इसको ये जो है ये मैग्नीफाई पोर्शन है, ये और ज्यादा मैग्नीफाई पोर्शन है, इसके अंदर ये वाला एरिया मैग्नीफाई किया है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये जो यहाँ पे जो सेल्स थी ये माइग्रेट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। पहले जो यहाँ पे जो ये जो डोर्सल ब्लास्टोपोलिप था, यहाँ से ये स्टार्ट हुई है माइग्रेट करना, एंड ये माइग्रेट करती करती ऐसे माइग्रेट कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे फाइब्रोनेक्टिन प्रेजेंट होते हैं, कैडरिन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ब्लू वाले प्रेजेंट हैं, एंड कैरेटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इनके बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे लैमेलिपोडिया प्रेजेंट होते हैं। सेवरल फोर्सेस अपीयर टू ड्राइव कन्वर्जेंट एक्सटेंशन, इस कन्वर्जेंट एक्सटेंशन के लिए बहुत टाइप के फोर्सेस जो है वो इसके इसमें अपीयर होते हैं, इंक्लूडिंग बट नॉट द लिमिटेड टू पोलराइज्ड सेल कोहेसन, ठीक है। सबसे फर्स्ट होता है यहाँ पे पोलराइज्ड सेल कोहेसन थ्रू द वेंट प्लेनर सेल पोलैरिटी, यानी पीसीपी पाथवे के थ्रू, कैडरिन मीडिएटेड डिफरेंशियल एडिशन, यहाँ पे कैडरिन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, तो कैडरिन मीडिएटेड यानी कि जो कैडरिन मॉलिक्यूल है उसको मीडिएट करेंगे डिफरेंशियल एडिशन को, एंड मिड लाइन वेव्स ऑफ कैल्शियम आयन सिग्नलिंग, ठीक है। कैल्शियम आयन सिग्नलिंग की मिड लाइन वेव्स होंगी, वो भी क्या करेंगी इसको इसको इनिशिएट करेंगी, यानी फोर्स इसको इसके ऊपर फोर्स ड्राइव करेंगी, जिसकी वजह से ये कन्वर्जन एक्सटेंशन शो करेगा। दोज मेसोडर्मल सेल्स एंटरिंग थ्रू द डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर गिव राइज टू सेंट्रल डोर्सल मेसोडर्म। अब जो ये मेसोडर्मल सेल्स है जो डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप के थ्रू एंटर कर रही है, ये गिव राइज करती है सेंट्रल डोर्सल मेसोडर्म को,
जो फॉर्म करता है नोटोकॉर्ड एंड सोमाइट्स, व्हाइल द रिमेंडर ऑफ द बॉडी मेसोडर्म विच फॉर्म्स द हार्ट किडनी बोन्स एंड पार्ट्स ऑफ सेवरल अदर ऑर्गन्स एंटर्स थ्रू द वेंट्रल एंड लेटरल ब्लास्टोपोर लिप टू क्रिएट मेसोडर्मल मेंटल. ये क्या फॉर्म करेंगे? मेसोडर्मल मेंटल फॉर्म करेंगे. तो जो डोर्सल साइड से एंटर करेगा वो नोटोकॉर्ड एंड सोमाइट बनाएगा, एंड जो एंटर करेगा वेंट्रल एंड लेटरल साइड से, लेटरल वेंट्रल एंड लेटरल ब्लास्टोपोर लिप की साइड से, वो मेसोडर्मल मेंटल फॉर्म करेगा. द एंडोडर्म इज डिराइव फ्रॉम द सुपरफिशियल सेल्स ऑफ द इनवोल्यूटिंग मार्जिनल जोन. जो आई आई एम जेड की सेल्स है, ठीक है, जो एंडोडर्म है वो डिराइव की जाती है सुपरफिशियल सेल्स जो है आई एम जेड की, दैट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ आर्केंटेरोन रूफ एंड फॉर्म द सब ब्लास्टोपोरल वेजिटल सेल्स दैट बिकम द आर्केंटेरोन फ्लोर. तो इस वे में आर्केंटेरोन फ्लोर फॉर्म होगा. द रिमेनेंट ऑफ द ब्लास्टोपोर. अब जो ब्लास्टोपोर का जो रिमेनेंट बच गया है यहाँ पे, वेयर द एंडोडर्म मीट्स द एक्टोडर्म, जहाँ पे एंडोडर्म एक्टोडर्म से मीट कर रही है, नाउ बिकम्स द एनस. वो क्या बन जाएगा यहाँ पे? एनस फॉर्म हो जाएगा. तो ये इस वे में यहाँ पे एनस फॉर्म होगी, जो कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म जहाँ पे मीट करेंगे. तो यहाँ पे एंडोडर्म फॉर्म हो गई, एक्टोडर्म यहाँ पे फॉर्म हो जाती है, एंड यहाँ पे मेसोडर्म फॉर्म हो जाती है. अब अगर हम एक समराइज वे में देखें तो सबसे फर्स्ट इसके अंदर एपिबोली हुई थी, एंड ये जो एपिबोली है वो हुई थी एक्टोडर्म की, एपिबोली ऑफ द एक्टोडर्म, जिसके अंदर दो मेजर मैकेनिज्म काम कर रहे थे. फर्स्ट यहाँ पे प्रोलीफ्रेशन हो रही थी, एंड सेकेंड यहाँ पे रेडियल इंटरकेलेशन, रेडियल इंटरकेलेशन प्रेजेंट थी. अब इसके बाद इसकी वजह से क्या हुआ था, जो एक्टोडर्म थी, एक्टोडर्म क्या करेगी, वेजिटल साइड के ऊपर अपने आप को कवर कर लेगी, एंड इसके नीचे जो एंडोडर्म और मेसोडर्म है वो साइमल्टेनियस मूव करती रहेंगी. सेकेंड यहाँ पे वेजिटल रोटेशन हुआ था, वेजिटल रोटेशन हुआ, वेजिटल रोटेशन के अंदर मेसोडर्म फॉर्म हुई थी एंड एंडोडर्म की फोल्डिंग हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे आर्केंटेरोन फॉर्म हुई थी, आर्केंटेरोन फॉर्म हुई. इसके बाद नंबर थर्ड जो है, नंबर थर्ड यहाँ पे हुई थी बोटल सेल फॉर्मेशन, बोटल सेल फॉर्मेशन. बोटल सेल फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे नंबर फोर्थ हुआ था इनवोल्यूशन ऑफ, इनवोल्यूशन एंड सेल माइग्रेशन, कि कैसे वहाँ पे एनिमल पोल की तरफ सेल माइग्रेट के गई थी, एंड लास्टली यहाँ पे क्या हुआ है, कन्वर्जेंस एंड एक्सटेंशन. तो ये स्टेप्स हैं जो कि यहाँ पे चलते हैं गैस्ट्रुलेशन ऑफ फ्रॉग के अंदर. इसके अलावा कुछ और मेजर चीजें थी, जैसे कि एंटीरियर एंडोडर्मल सेल्स जो थी, एंटीरियर एंडोडर्मल सेल्स क्या कर रही थी, ये ट्रांसक्राइब कर रही थी HHEX जीन को, एंड ये HHEX जीन जो है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को ट्रांसक्राइब कर रहा था, एंड ये क्या कर रहा था, हेड की फॉर्मेशन कर रहा था. एंड इसके अलावा प्रीकोर्डल प्लेट जो थी, प्रीकोर्डल प्लेट जो है गूसकोइड जीन्स को, गूसकोइड जीन्स को ट्रांसक्राइब करती है, एंड गूसकोइड जीन क्या करते हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर्म करते हैं. ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करेंगे, कुछ अदर जीन्स को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, कुछ अदर जीन्स को एक्टिवेट करते हैं बाय रिप्रेसिंग अदर्स रिप्रेसर, उन दूसरों के रिप्रेसर को रिप्रेस कर देंगे, एंड ये जीन्स जो है ये भी क्या करते हैं, हेड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. इसके अलावा कोर्डा मेसोडर्म जो थी, कोर्डा मेसोडर्म क्या है, एक जीन टीबीएक्सटी जीन को ट्रांसक्राइब करती है, एंड टीबीएक्सटी जीन एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को ट्रांसक्राइब करता है, जिसके रिजल्ट में नोटोकोड की फॉर्मेशन होती है, नोटोकोड की फॉर्मेशन होती है. तो ये भी यहाँ पे मेजर इवेंट्स देखने को मिलते हैं. तो यहाँ तक जो गैस्ट्रुलेशन है वो कंप्लीट होता है,
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पोस्ट गैस्ट्रुलेशन चेंजेस क्या क्या होते हैं एम्फीबियंस के अंदर या फिर फ्रॉग के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।